सामने रखे ताकि पब्लिक खौफ और डर में ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह आप खा सकते हैं और इस गोश्त को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। साउथ अफ्रीका में आया था ये, साउथ अफ्रीका में, बाद में अपना एशिया में बांग्लादेश में आया, 2019 में बांग्लादेश में आया, उसके बाद में चाइना रशिया स्प्रेड हुआ डिजीज़ है, उसके बाद में इंडिया में आया। इंडिया में मोस्ट पार्ट नॉर्थ इंडिया में आया डिजीज़, साउथ में बहुत कम है। एंड ये डिजीज़ ज़्यादा ज़्यादा वाइट एनिमल में होता, ब्लैक में नहीं है। कहाँ पर ज़्यादा है? ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में, महाराष्ट्र राजस्थान श्री कश्मीर वो एरिया में आया है। यहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑलरेडी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया एंड वी आर गिविंग द वैक्सीन। यहाँ पे तेलंगाना में भी वैक्सीन हो गया। जितना तक यहाँ शॉर्ट रोज में हम चेक कर रहे कोई डिजीज सिम्टम्स का जानवर आया नहीं अभी तक। हमारा डॉक्टर रहता मॉर्निंग एंटीमार्टम पोस्टमार्टम करते एंड जब भी जो जानवर का ऊपर सर्कुलर 5 सेंटीमीटर रेडियस से नोडुलर फॉर्म होता है इसका ऊपर, वो जैसे वो डाउट आया उसको सेग्रीगेट कर देते हम लोग एंड उसका टेम्परेचर चेक करते। जो लम्फी डिजीज़ है उसको टेम्परेचर ज़्यादा रहता है एंड उसको आँखों से पानी आता है, मुंह से सलाइवा आता, जैसे ससेप्ट किया वो जानवर को बाजू रख के उसका ब्लड स्मीयर इमीडिएटली BBRI को भेज रहा, वेटनरी बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को भेज के वहाँ से डायग्नोसिस करा रहा कि यदि पॉजिटिव है तो दैट इज़ सेग्रीगेटेड एनिमल। आज मोहम्मद सलीम साहब सदर जमीतुल फ्रेश ने कहा था कि जाओ सलाडर हाउस के ऊपर और यहाँ पर वायरल हो रही है बातें, अफवाहें चल रही है। हमारे अशोक साहब को, श्रीनिवास साहब, दोनों डॉक्टरों को लेकर हम सारे जानवरों का जैसो लाके यहाँ पर पूरा मैना करा के ये सारी चीज़ें इनके सामने रखे। ये गवर्नमेंट के तरफ से पूरा वायरल किया जा रहा है और जो भी हुआ है ये गवर्नमेंट के तरफ से हम डॉक्टरों के रख के ये सारी चीज़ पब्लिक के सामने रखे ताकि पब्लिक खौफ और डर में ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह आप खा सकते हैं और इस गोश्त को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मुनीर कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी जमीतुल फ्रेश हैदराबाद। मैं आज यहाँ पर सलाडर हाउस के पास डॉक्टर्स को और एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर्स को और यहाँ के जो ज़िम्मेदार डॉक्टर है जो बल्दिया से MCS से ताल्लुक़ रखते हैं, जो डेली मॉर्निंग में यहाँ पर डॉक्टर रहते हैं और बगैर चेक करे के कोई जानवर को अंदर जाने नहीं देते और सारे जानवर जो भी आते हैं आंध्रा तेलंगाना से यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद सुबह मॉर्निंग डॉक्टर 5 बजे से 11 बजे तक डॉक्टर यहाँ पर मौजूद रहते हैं, हर जानवर को चेक करके कटिंग के लिए भिजाते हैं। और जो भी जानवर ये जो बीमारी के जो बता रहे ये रोडों पे फिरने वाले जानवर है, इससे इसको कटिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो भी आगापुरे के जो जानवर की जो तस्वीर आई है ये वहाँ पर मावाड़ियाँ रहते हैं, वहाँ पर वो लोग खिलाते पिलाते उनको पालते हैं, तो वहाँ पर बेगम बाज़ार से लेके आगापुरे तक जानवरें फिरते रहती हैं तो उसके अंदर है। हमारे कमेले के अंदर कोई जानवर ऐसा आता नहीं और बगैर चेक करे के उसको काटते नहीं, क्योंकि अभी जो डॉक्टर साहब के सामने इंटरव्यू दिए हैं ये सुबह मॉर्निंग रहते हैं, इनका हमला रहता पूरा, तकरीबन 20-25 आदमी यहाँ पर मौजूद रहते हैं, बगैर देखे के काम नहीं होता। और उसके अलावा कटिंग होने के बाद फिर गवर्नमेंट के तरफ से गोश्त के ऊपर मोहर लगाया जाता कि ये सही है, ये चेक करके इसको भिजाया बोल के, ये चेक करने के बाद उसको मोहर रहता, मोहर रहने के बाद ये दुकानों को शापे शाप सप्लाई होता माल। और इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, आपको खौफ खाने की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला हर मुसलमान हर मोमिन जो भी है जो भी खाने वाले गोश है हम उनके लिए अच्छे से अच्छा फरबा जानवर मंगाते हैं और कोई ऐसा काम है तो हम बिल्कुल ऐसा काम करते भी नहीं हैं। अल्लाह हाफिज़। वायरल हो रही है उसके ऊपर अफवाहों के ऊपर आप जहन मत दीजिए, क्योंकि हम सारे चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला देख रहे बराबर नज़र रखे हुए हैं। अगर कोई ऐसा वायरल करके अगर कोई काम करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं डॉक्टर अशोक कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर स्लाटर हाउस, रमनासपुरा स्लाटर हाउस बल्दिया JHMC स्लाटर हाउस। हमारा इधर क्या है ना, हमारा जिम्मेदार क्या है ना, तो वो गेट पे जानवर को चेकिंग करके जो बीमार है वो लोगों को रिएक्ट करना, जो रिजेक्ट किया ना वो पूरे बाहर गली में फिर रहे उसका वीडियो वायरल हो रहा। तो हमारा जिम्मेदार क्या है, जो इधर आता इधर से हम रिजेक्ट करते, अभी भी नहीं है यहाँ कहीं को बोले तो जो बीमार वाला यहाँ नहीं लेता बोल के वो लोग बाहर गली में
छोड़ रहे, कहीं को बोले तो इसको कोई भी खरीद नहीं करता और इसका वैल्यू नहीं, इसको काटने की सहूलत नहीं रहती इसलिए, और ये जो है ना हमारा कसा भी नहीं काटते, कहीं को बोले तो ये पूरा पुलिसिया रहता, पूरा पुलिसिया रहता, पुलिसिया रहता ना उससे थोड़ा वो लोगों को दिक्कत रहती, और काटने भी चमड़ा है ना, चमड़ा के नीचे पूरा ये पुलिसिया रहती, उसको बिल्कुल ये खाने की पसंद नहीं रहती, इसलिए इधर आने नहीं देते हम। हमारे पास एक भी नहीं रिकॉर्ड किया, कहीं को बोले तो चेक करके, वो है हमारा जिम्मेदार है, चेक करके भेजते अंदर, तो अच्छा वो हेल्दी एनिमल अंदर जाती है, जो बीमार दिखता अभी तो नहीं दिखा, इधर नहीं दिखा, अब जो वायरल हुआ वो बाहर का है, तो मेरे को अभी आया आसिफ भाई बोल के शास्त्रीपुरम से मेरे को भिजा है, ये कहाँ भाई बोले तो आगापुरा में देखा, आगापुरा में रोड पे देखा बोल के, वैसे रोड पे फिर रहे, हमारे पास नहीं आता। ओके सर।